हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग फ्रेंड फंक्शन का एक प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको फ्रेंड फंक्शन बताया था। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? तो ये एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, मतलब जो क्लास रहता है उसका मेंबर ना होके नॉन मेंबर होता है, लेकिन ये उस क्लास के प्राइवेट डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में शो नाम का एक फ्रेंड फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, और ए नाम का क्लास। तो चलो हम देखते हैं कैसे बनेगा प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एज इंक्लूड आईसो स्ट्रिंग डॉट, ये क्या हो गया आपका हेडर फाइल हो गया। हेडर फाइल लेने के बाद हम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या लिए है, ये बना दिए क्लास। क्लास का नाम क्या है हमारा, ए। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, ए। ए नाम से हम क्लास बना लिए। अब इसके अंदर हम प्राइवेट लिख दिए, मतलब हम क्या लेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे। किस टाइप का, प्राइवेट टाइप का। वहां पे लिख दिया हमें इंटीजर एक्स, क्या लिख दिया, इंटीजर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको पब्लिक, पब्लिक ले लिया, ये ले लिया पब्लिक। पब्लिक लेने के बाद हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो जो क्लास का नाम रहता है वो किसका नाम रहता है, कंस्ट्रक्टर। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो दे दीजिए। क्या दे दिए, x इज इक्वल टू, हम क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए। फिर ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड क्या है हमारा कीवर्ड है। फिर इंटीजर शो फंक्शन, ठीक है, क्या लगा दिए, इंटीजर शो फंक्शन। पैरामीटर है ए, ए क्या है हमारा पैरामीटर। ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा डिक्लेयर हो रहा है क्या, फंक्शन। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले क्या रहेगा, फंक्शन कीवर्ड रहेगा, उसके बाद फंक्शन का नाम रहेगा, मतलब डेटा टाइप रहेगा, फिर फंक्शन का नाम, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर। तो ये क्या हो गया हमारा, डिक्लेयर हो गया। ये यहाँ पे क्या करते हैं, उसको क्लोज कर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये यहाँ क्लास जो है क्लोज हो गया। ये क्लास ओपन था, ये क्लास क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे तो फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ता, सीधा सीधे क्या लिख देंगे हम, इंटीजर, और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इंटीजर, उसके बाद क्या लिख देंगे, सो। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। ठीक, मतलब जो हम पैरामीटर पास किए थे वो हो जाएगा। ठीक, ओपन करेंगे, एस जो है ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो एस डॉट क्या हो जाएगा आपका, एस डॉट हो जाएगा, ये क्या होगा, एस डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लिया हूं यहाँ पे फाइव। क्या ले लिया, एस डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लिया फाइव। अब हम क्या कर देंगे, उसको इधर रिटर्न, रिटर्न कराएंगे। ठीक है, रिटर्न क्या कराएंगे, तो रिटर्न एस डॉट डॉट, मतलब स्पेसिफाई एक्सेस ऑपरेटर हो गया। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, ये ओपन हुआ था, ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज, ये ओपन, और ये क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। अब हमारा मेन फंक्शन बनेगा, तो मेन फंक्शन कैसे बनेगा, इंटीजर मेन, हमारा मेन फंक्शन बन गया। मेन फंक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो क्लास का नाम था वो हम क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे, तो क्लास का नाम क्या था हमारा, ए। ए का बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, बनेगा क्या, बनेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखती है ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो सी आउट। ठीक है, क्या लिख दिए, सी आउट लिख दिए। प्रिंट क्या कराना है, वैल्यू ऑफ ए, क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ ए, ये छोटा है, ये हो गया, यहां तक आ गया। उसके बाद फंक्शन का नाम क्या था, तो शो, यहां पे लिख दो शो। ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर में आप लिख दो ऑब्जेक्ट, ये हो गया है ना। अब ये आप सेमी कॉलन लगा दिए। अब सेमी कॉलन लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये रिटर्न जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते, क्लोज कर दो। जब इसको रन कराओगे तो इसका आउटपुट जो है वो कैसे आएगा, तो आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव। लिख दो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए फाइव। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम हो गया। अब इसकी फ्रेंड फंक्शन में देखो, जब हम फ्रेंड फंक्शन बनाए तो अलग सा ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए मतलब उसको एक्सेस करने के लिए अलग से फंक्शन बनाना नहीं पड़ रहा है, वही फ्रेंड फंक्शन क्या कर रहा है उसको कॉल करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड फंक्शन का एग्जाम्पल। थैंक यू।